Now module 20, page number 56. JEE mains 2007 में question पूछा था, very simple. Example number 4. If sine inverse of x upon 5 plus cosec inverse of 5 by 4 is equal to pi by 2, then x is equal to how much? That is the question. पहला जो अपने मन में आता है कि cosec inverse is to be written as sine inverse of 1 by x. तो मैंने लिखा sine inverse of x upon 5 plus cosec inverse को sine inverse किया, 5 by 4 को उल्टा किया, 4 by 5 is equal to pi by 2. उसके बाद आपने क्या करना चाहिए? ये जो sine inverse of 4 by 5 है, let sine inverse of 4 upon 5 is equal to y. तो sin of y is equal to 4 by 5. Because I want to convert now, this is sin inverse of x upon 5. So I want this in the form of cos inverse. तो उसके लिए triangle बड़ा important है. तो let sin inverse of 4 by 5 is equal to y. Sin y is equal to 4 upon 5. इसका मतलब इस triangle में sin n है opposite upon hypotenuse. तो y का opposite कौन है? 4. ये 5. तो यहाँ पे क्या लिखना है? साइन वाई के अपोजिट में यहाँ 4 लिखने और यहाँ 5 लिखना, 4 और ये 5. अब ये एडजस्टिंग साइड कैसे निकालेंगे अपन? ये 4 5 क्लियर हो गया, साइन वाई ने कौन अपोजिट में 4 लिखने का, इसके जगह 5 लिखने का हो गया. अभी ना एडजस्टिंग साइड कैसे आएगी? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 25 माइनस 16 रूट 9, यानी ये साइड हो गई 3, देयरफॉर इज इक्वल टू 3. अब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए वो निकाल सकते हैं अपन लोग. हाँ, आपको चाहिए कॉस इनवर्स. सो कॉस इनवर्स यानी कॉस ऑफ वाई बिकम्स, आई रिपीट, कॉस ऑफ वाई यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 3 अपॉन 5. सो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 बाय 5. बट व्हाट इज वाई? व्हाट इज वाई फ्रॉम इक्वेशन 1? यानी sin inverse of 4 by 5 is equal to cos inverse of 3 by 5 from equation A. Y and sin inverse of 4 by 5 is equal to cos inverse of 3 by 5. That means इसके जगह sin inverse of 4 by 5 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? Cos inverse of 3 by 5. It's not? Is it correct? Now what happens? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल पाई बाय टू होता है. तो उन्होंने बोला हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाय फाइव पाई बाय टू आ गया, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू हैज टू बी सेम, तभी तो पाई बाय टू आएगा. करेक्ट है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय टू, दैट मीन्स एक्स बाय फाइव हैज टू बी इक्वल टू थ्री बाय फाइव. सो एक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव. तो इसको पहले कन्वर्ट करूंगा मैं साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, और उसके बाद साइन इनवर्स को ट्रायंगल यूज करके टैन में कन्वर्ट करूंगा, और टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. ये स्टैंडर्ड प्रोसेस चालू है. तो दिस वैल्यू पार्ट ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 5 बाय 3 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 3, दिस बिकम्स पार्ट इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स ऑफ 5 by 3 का क्या होगा? 3 by 5. Very good. तो ये हो गया cot of cosec inverse की जगह sin inverse of 3 by 5 plus tan inverse of 2 by 3 को ऐसे रहने दो. Equation number 1. अब इसको देखेंगे अपन. Let sin inverse of 3 by 5 is equal to y. Standard से शुरू. Sin y is equal to 3 upon 5. Triangle निकाला अपने. Sin y opposite में 3 लिखो, आप उस पर 5 लिखो, 3 और 5 लिख दिया मैंने. अब ये एडजेसेंट साइड आएगी इसकी, देयरफॉर 4 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ये मिल जाएगी. अब मुझे क्या चाहिए? साइन हैज टू बी कन्वर्टेड इन द हाश ऑफ tan. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर tan y इज इक्वल टू, ट्रायंगल में लिखो tan y यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट
तो tan y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो इट इज tan y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. tan y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 यानी tan ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 4. यहां देखता हूं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 बाय 4 इज इट नॉट. बट व्हाट इज y? व्हाट इज y? y यानी sin इनवर्स ऑफ 3 बाय 5. देयरफॉर sin इनवर्स ऑफ 3 बाय 5 is equal to tan inverse of 3 by 4. Tick mark. Is it not? अब इसका मतलब इक्वेशन 1 में इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, tan inverse of 3 by 4. Now my simple question to all of you talented students, is there any need to draw a figure like this, or can we directly write in JEE sin inverse of 3 by 5 is same as cos inverse of 4 by 5. I repeat, sin inverse of 3 by 5 is same as cos inverse of 4 by 5. And since cos inverse of 4 by 5 sin inverse of 3 by 5 है, तो tan inverse में क्या है, sin का numerator ऊपर, cos का numerator नीचे, तो tan inverse of 3 by 4 नहीं आएगा. sin का numerator ऊपर और cos inverse का numerator उसके नीचे, 3 by 5 upon 4 by 5 यानी 3 by 4. तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो. अगर डायरेक्टली नहीं जमा तो ये प्रोसेस आपके पास है. अब इक्वेशन वन हो गया, दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू पार्ट ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 4 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 2 बाय 3. यूजिंग टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y. करेक्ट है? तो ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ 3 बाय 4 प्लस 2 बाय 3 अपॉन 1 माइनस 3 बाय 4 इंटू 2 बाय 3. टैन इनवर्स ऑफ x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y, बिल गेट फॉर्मूला, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y. वेरी गुड. अब एलसीएम लेने का 9 प्लस 8, देखो 3 3 का 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 12, ये इसके साथ कैंसिल होने वाला है, 12 माइनस 6 और उसके बाद ये 12 और ये 12 आपस में कैंसिल, तो क्या बचा, cot of tan inverse of 9 plus 8 divided by 12 minus 6 ये बचेगा आपके पास. Now this is 17 by 6, so ये आ गया cot inverse cot of tan inverse of 17 by 6. लेकिन cot के बाद आपको tan inverse चाहिए कि cot inverse चाहिए? cot inverse. very good. तो इसको लिखूंगा cot inverse of 6 by 17. tan inverse के जगह क्या लिखूंगा, cot inverse of 6 by 17. ये कैंसिल हो गए, आंसर कौन है, 6 upon 17 का आंसर. क्लासिक एग्जांपल, पेज नंबर 56, एग्जांपल नंबर 5, जेडब्ल्यू एडवांस. आईआईटी में पूछा गया एग्जांपल है जेडब्ल्यू एडवांस का. इफ sin इनवर्स ऑफ x माइनस x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 4 प्लस 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 cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x टू पावर 4 अपॉन 2 प्लस x टू पावर 6 अपॉन 4 प्लस 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 इज इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर 0 लेस देन मॉड x लेस देन रूट 2. यानी x जो है वो माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 के बीच में है, बट 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, देन x इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज द क्वेश्चन. अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2. दैट मींस दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस. आई रिपीट, समथिंग साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग पाई बाय 2 है, तो इधर का समथिंग हैज टू बी इक्वल टू इधर का समथिंग. रीजन बीइंग साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर्मूला है, तो ये और ये सेम होना चाहिए. ये दोनों सेम आ गए तो आंसर कितना आता, पाई बाय 2. अब वो खुद बोल रहे हैं कि sin inverse of this plus cos inverse of this is equal to pi by 2. That means this has to be equal to this. So अपन चालू करेंगे x minus x square by 2 plus x cube by 4 plus 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 should be equal to x square minus x to power 4 upon 2 plus x to power 6 upon 4 plus plus plus. यानी this has to be equal to this. तभी तो आंसर pi by 2 आया. यो गया इक्वेशन 1. अभी देयर इज अ जीपीए टर्म्स देखो एलएचएस में, तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑन बोथ साइड्स.
और अपने को पता है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज में कॉमन रेशियो जो है वो माइनस वन और वन के बीच में है तो एस एन अपॉन जीपी का फॉर्मूला चेंज होता है और वो आता है ए अपॉन वन माइनस आर, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। अब एलएचएस में ए कौन है, एक्स। कॉमन रेशियो कैसे निकालना, एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू अपॉन एक्स, यानी माइनस ऑफ एक्स बाय टू। आरएचएस में आर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स टू पावर फोर अपॉन टू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी बचेगा अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो एलएचएस में कॉमन रेशियो है माइनस एक्स बाय टू, आरएचएस में कॉमन रेशियो आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस और दिस डिवाइडेड बाय दिस, आंसर आता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इसका मतलब इक्वेशन वन बिकम्स ए अपॉन वन माइनस आर, ये कौन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स, वन माइनस कॉमन रेशियो एलएचएस में कौन है माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल टू राइट साइड में ये कौन है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये कौन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, यानी वन माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, ये टू पर जाएगा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टू कैंसिल हो गया। अब क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी एक्स इंटू ब्रैकेट क्या आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्या आएगा वन प्लस एक्स, एक्सपांड करो, कैंसिल नहीं करना कभी, एक्सपांड करो, एक्स प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन। ऑप्शन में जीरो भी रहेगा, मैक्सिमम लोग जीरो को भी टिक मार करेंगे, वन को भी टिक मार करेंगे, लेकिन मॉड x जो है ये जीरो से बड़ी संख्या जीरो नहीं हो सकती है, तो जीरो लेस देन मॉड x लेस देन रूट टू है, इसीलिए x कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज x इज इक्वल टू वन, क्योंकि वन ये रूट टू से छोटा है और जीरो से बड़ा है। रूट टू कितना आता अंदाजे 1.4 वगैरह आता, तो वन ये जीरो से बड़ा है और रूट टू से छोटा है, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बट एक्स इज इक्वल टू वन इज द आंसर।